नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। फिर चर्चा में कांग्रेस के विधायक ने भगवान शिव को कहे अपशब्द। हिंदू संगठन और बीजेपी के लोगों ने पुलिस थाने में आवेदन दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले दो दिन में उनके दो वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें से एक वीडियो में वह भगवान शंकर पर ही विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि अगर विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस हारेगी तो वे अपना मुंह काला करा लेंगे। उनके दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भगवान शंकर पर टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने भाजपा की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। बातचीत में उन्होंने कहा है कि भोलेनाथ उनके आराध्य हैं। जंडेल ने कहा, मैं भगवान भोलेनाथ को पूछता हूँ, इस तरह की बात भगवान भोलेनाथ के प्रति मैं कहना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। जो वीडियो वायरल किया है वे कांट छाट करके राम निवास रावत के लोगों ने मुझे बदनाम करने वायरल किया है। हालांकि हिंदू संगठनों के लोगों ने श्योपुर सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के खिलाफ थानों पर प्रदर्शन कर विधायक का पुतला फूंका है और मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। और महिलाओं के बारे में जो उसने अपना जो सोशल मीडिया पे बोला है वो बहुत ही शर्मनाक नहीं, बहुत अपराध और अक्षम्य अपराध है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं, उज्जैन महाकाल पुजारी संघ के द्वारा वो दिया गया है ज्ञापन, नहीं FIR वहाँ कराई गई है। अन्य संगठनों के, धार्मिक संगठनों के द्वारा की जा रही है। लगातार विधायक के द्वारा बार बार ऐसी सोशल मीडिया पर टिप्पणियां, संविधान को जलाने की बात हो या एक महिला ASI जो मानपुर पर पदस्थ थी उसके मोबाइल पर जब उससे बात की तो उससे गाली गलौज शब्दों का, माँ बहन की गालियों का उपयोग किया। आदतन उनको जिस प्रकार की उनके लिए टिप्पणी की है, मात्र शक्ति को जिस प्रकार अपमानित करने का काम किया है, आज सारे धार्मिक संगठन सब लोग विधायक के इस बयान से निश्चित ही दुखी है। सब लोग भगवान शंकर जी पर जो टिप्पणियाँ माननीय विधायक जी ने की है उसको कोई भी अगर सनातनी सुनेगा तो बहुत दुखी होगा। बोला गया उसका वीडियो जारी हो हुआ है तो उसको लेकर के जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उन पर संज्ञान लिया गया है और जो है FIR दर्ज की गई और उसके बाद हम संज्ञान के बाद क्या दो FIR दर्ज की गई है। हाँ, वो दूसरे आवेदन को उसमें भी संज्ञान लिया जा रहा है, उसको जो है क्या तथ्य है, जो धार्मिक भावनाओं से हाथ से समानता है क्या है। पहले किसके द्वारा पहले शिकायत करने कौन आया था? ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा की गई है और दूसरी राजबहादुर सिंह है मारू अपने हाउसिंग बोर्ड का तरफ से और बजरंग दल संगठन और भाजपा के कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा थाने पर आकर आवेदन दिए गए थे। विधायक जो वर्तमान में हैं उनके द्वारा कुछ धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। दोनों पक्षों से आवेदन देकर उन्हें अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। इसमें FIR हुई है कि नहीं? इसमें FIR कायम हुई है और विवेचना चालू है।